आम आदमी पार्टी के विधायक का ISA अधिकारी के नाल पंगा पै गया। जी हाँ, लुधियाना जिले तो आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोकी ने चंडीगढ़ के IAS अधिकारी दिलीप कुमार से बेइज्जती करन दे इल्जाम लगाए ने। दस दिए कि IAS अधिकारी दिलीप कुमार ने विधायक गोगी नूं मीटिंग चो बाहर कढ़ दिता, जिस नाल विधायक गोगी ने काफ़ी बेइज्जती महसूस की है, जिस विचों उन्होंने विधानसभा के स्पीकर नूं पत्र लिख के कार्रवाई की मांग की है। विधायक गोगी ने कहा कि अधिकारी दफ्तर च लोगों वालों चुने हुए नुमाइंदियों प्रति तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। दरअसल विधायक गोगी ने उद्योगपतियों के समूह नाल मीटिंग करन लई गए तो अधिकारी दिलीप ने उन्हां नूं इह कह के दफ्तर तो बाहर जाण लई कह दिता कि उद्योगपति नहीं ने। अफसर ने यह भी कहा कि सियासतदान मीटिंग च नहीं बैठ सकते, जिस तों बाद विधायक वालों दस्या गया कि वह आम आदमी पार्टी वालों उद्योगपतियों की नुमाइंदगी लई उत्थे गए सन, पर फिर भी अधिकारी वालों माणा वतीरा कीता गया, जिस करके गुरप्रीत बस्सी वालों स्पीकर कुलतार सिंह संधवा नूं शिकायत भेजी गई है तां जो आने वाले समय च विधायकां नाल कोई माड़ा व्यवहार ना होवे। विधायक गोगी ने शिकायत च लिखा है कि वह इंडस्ट्रीज एसोसीएशन की टीम नाल उद्योग ते वणज विभाग के प्रमुख सकत्तर नूं मिलण लई सैक्टर 17 चंडीगढ़ गए सन। उत्थे जदों उह मीटिंग च कुर्सी ते बैठन लगे तां IAS दिलीप कुमार ने उन्हां नूं कहा कि इत्थों चले जाओ, तुहाडा इस मीटिंग नाल कोई लेना देना नहीं। इस कारण उन्होंने बेइज्जती महसूस की। विधायक ने कहा कि उस अधिकारी नूं इह भी दस्सिया गया कि पार्टी वालों उद्योगपतियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि वह पहला इंडस्ट्री के चेयरमैन से तो हूँ मौजूदा विधायक ने, पर अधिकारी ने उन्होंने गल नहीं सुनी। किसी IAS अधिकारी वालों चुने हुए नुमाइंदे का इस तरह जनतक तौर पर अपमान करना सही नहीं। और कानूनी कार्रवाई करते हुए शिकायत भेज रहे हैं, जिसनों विशेष अधिकार कमेटी को भेजा जाए। विधायक गोगी ने मांग की है कि जिहे अधिकारियों की ड्यूटी उन्होंने थावान पर ना लाई जाए जिथे पब्लिक डीलिंग होंगी है। जिहड़े अधिकारी पंजाब सरकार के लोगों के चुने हुए नुमाइंदियों नाल अजिहा व्यवहार कर रहे हैं, फिर वो आम जनता नाल की कर रहे होंगे। उन्होंने निजी तौर पर भी पता लगा है कि दफ्तर में इस अधिकारी का वतीरा ठीक नहीं, इस कारण अधिकारी खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुण देखना होगा कि स्पीकर कुलतार सिंह संधवा इसते की कार्रवाई करते हैं। Subscribe to One India channel and never miss an update.